हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी A24 स्पेसिफिकेशंस जो है 6.24 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले पर लॉन्च किया जाएगा, जो कि सुपर एमोलेड पैनल पर बनी होगी और 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट पर काम करेगी, जो कि कमाल का है। और ये भी बताया जा रहा है कि इसे X97904 चिपसेट पर लॉन्च किया जा सकता है और 14 नैनोमीटर फैब्रिकेशन पर बना प्रोसेसर के साथ माली G71 GPU मिलता है। लीक की माने तो ये मोबाइल फ़ोन 6GB रैम और मेमोरी पर लॉन्च होगा, जो 64GB का इंटरनल स्टोरेज पर काम कर रहा है। हालांकि इस फ़ोन के और भी वेरिएंट उतारे जा सकते हैं, लॉन्च किए जा सकते हैं, लेकिन अभी के लिए अगर मैं बताऊं कि गैलेक्सी में A24 में ट्रिपल रियर कैमरे देखने को मिल सकता है, लेकिन एक लीक के हिसाब से 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर मौजूद होगा, जो कि 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और 5 मेगापिक्सल का सेंसर के साथ मिलकर काम करेगा। वहीं फ्रंट पैनल पर 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया जा सकता है। 4500 mAh की बैटरी होगी और लीक के हिसाब से, लेकिन अगर स्ट्रॉन्गली लीक के हिसाब से बात करें तो 4000 mAh की बैटरी के लॉन्च किया जा सकता है और 15W का चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा। फाइनली अगर मैं इसमें प्राइस को लेकर बात करूं तो आपको जो 6GB रैम है, मीडियाटेक हेलियो G80 चिपसेट है, होगी वो 6000 mAh की बैटरी उसकी हो सकती है। और यहाँ पर जो इन्होंने प्राइस रखी है वो 10,999 रुपये, ऐसा हो सकता है। लेकिन ऐसा तभी हो सकता है जैसे कि अगर ये गैलेक्सी M32 प्राइम एडिशन जो लॉन्च हुआ है उसके साथ साथ सेम ऐसे ही उसका सक्सेसर या कुछ कह लो अगर होता है तो सेम प्राइस में लिखा भी जाएगा। और वो भी हो सकता है जो एडिशन प्राइस है इसकी, जो M32 प्राइम एडिशन है वो भी साथ में लॉन्च किया जाएगा A24 के साथ। फिलहाल के लिए दोस्तों, जब भी ये लॉन्च होगा मैं आपको बताऊँगा ज़रूर। अभी के लिए वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना। मिलता हूँ मैं से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।